मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सब? मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे, आफिया से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और आपको भी बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद में। क्यों खुशी होगा पता है? इसलिए कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप उर्दू फॉन्ट वाले काइन मास्टर डाउनलोड किस तरह से करेंगे और उस वाले काइन मास्टर को आप यूज किस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों, यूट्यूब के अंदर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो अक्सर यूट्यूबर जो है अपने यूट्यूब वीडियो में ही आपको बताएंगे कि आप एक ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद में ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, उसके बाद में जो है काइन मास्टर के अंदर में जो है उर्दू फॉन्ट आ जाएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपको ये भी बताएगा कि क्रोम ब्राउजर में जाओ, वहां से उर्दू फॉन्ट डाउनलोड करो, उसके बाद में मोबाइल के फाइल में आओ, फिर बोलेगा आपको कि दूसरा कोई ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद में कुछ सेटिंग आपको करने के लिए बताएंगे, उसके बाद में जो है इतना कुछ करने के बाद में फिर बोलेगा कि काइन मास्टर में उर्दू फॉन्ट सेट हो गया है। तो बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन दोस्त, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा और ना ही मैं आपको गूगल के अंदर जाने के लिए बताऊंगा कि गूगल में जाके आप उर्दू फॉन्ट डाउनलोड करो, बल्कि दोस्त आपको जो मैं आपको एक काइन मास्टर देने वाला हूँ तो उसी काइन मास्टर के अंदर जो है आपको तरह तरह के उर्दू फॉन्ट जो है डिजाइन वाले जो है फॉन्ट मिल जाएंगे। मैं आपको बगैर किसी ऐप का जो है उर्दू फॉन्ट अपनी काइन मास्टर में लाने का तरीका बताऊंगा, तो आपको कितनी ज्यादा खुशी होगी, है ना। आप डायरेक्ट काइन मास्टर में चले जाओ, वहां पे अपना वीडियो एडिटिंग करो और जो है अगर आपको कुछ लिखते हैं तो फौरन जो है वहीं से आप डायरेक्ट उर्दू फॉन्ट चेंज कर लीजिए। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहना है और जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बस उस बात को फॉलो करना है। तो दोस्त, आपके काइन मास्टर के अंदर में ही जो है तरह तरह के डिजाइन वाले उर्दू फॉन्ट सेट हो जाएगा। तो दोस्त, अगर आप ये सारे कुछ जानना चाहते हैं उर्दू फॉन्ट डिजाइन वाला जो है उर्दू फॉन्ट काइन मास्टर में ही डायरेक्ट लाने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में मैं जो है अब यहाँ पे कुछ उर्दू लिख के जो है आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फॉन्ट चेंज करेंगे। देखिए, मैं लेयर पे जाने के बाद में, टेक्स्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे अस्सलामुअलैकुम। देखिए, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, लिख दिया है। लिखने के बाद में मैंने यहाँ से ओके कर दिया है। ओके ओके करने के बाद में गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिज़ाइन देने का ना ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में काइन मास्टर है तो आपको पहले से पता ही होगा कि आप यहाँ से डायरेक्ट जो है डिज़ाइन नहीं दे पाएंगे उर्दू में। लेकिन देखिए, अभी मैं आपको यहीं से डायरेक्ट डिज़ाइन देखे बताऊँगा। देखिए, यहाँ पे डबल ए का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस देखिए, अगर यहाँ पे क्लिक रहता है ऊपर वाले में अंडर राइट पे, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है बल्कि नीचे वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए, मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद में देखिए गाइस, मैं नीचे से दूसरे नंबर को सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। देखिए, राइट कर देना है। जैसा कि दोस्त अभी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी और भी जो है खूबसूरत दिखेगा। जैसा कि देखिए, मैं अभी और आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, मैं इसी वाले को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसका फॉन्ट मैं चेंज करके बताऊँगा। देखिए, फिर से मैं डबल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे देखिए मैं इस बार नीचे से तीसरे नंबर जो है उस पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से मैं राइट पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं ऊपर का अस्सलामुअलैकुम जो है, अस्सलामु का सीन जो है वो लंबा है और नीचे जो है अस्सलामुअलैकुम का वो सीन जो है वो जो है तीन शोशा वाला है। इसी तरह देखिए, और मैं एक फॉन्ट आपको जो है बता देता हूँ यहाँ पर चेंज करके। देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से इसको कॉपी कर लिया है। फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, इस बार मैं नीचे से चौथे नंबर को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से राइट कर दिया है। गाइस, अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अरबी में जो है आ चुका है और बहुत ही अच्छा देखने में है। अब आपको उर्दू वाला काइन मास्टर डाउनलोड किस तरह से करना है ताकि आप जो है उर्दू लिख के आसानी से डिज़ाइन दे सके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
आप अपने मोबाइल के अंदर आइए और आपके मोबाइल के अंदर जो काइन मास्टर है सबसे पहले उसको क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो आपने डिलीट कर दिया, ओके। डिलीट करने के बाद में अब गाइस आपको क्या करना है कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, आ गए। अब यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक दिख रहा होगा काइन मास्टर का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले काइन मास्टर को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद में आप उस वाले काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आप कुछ भी लिख दीजिए। लिखने के बाद में गाइस देखिए आपको क्या करना है, किस तरह से लिखना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए आपने काइन मास्टर डाउनलोड कर लिया, लेयर पे जाइए, टेक्स्ट पे जाने के बाद में आप उर्दू में लिख दीजिए, जैसा कि इस बार मैं मेरा नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे मुनीर उर्दू में लिख दिया है, फिर मैं यहाँ से ओके इसको कर देता हूँ। ओके करने के बाद में गाइस यहाँ पे देखिए डबल ए का ऑप्शन है, आप एक बार इस पर क्लिक कीजिए। फिर गाइस आपको क्या करना है, नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप नीचे में आ जाइए और देखिए यहाँ पे नीचे से दूसरे नंबर पे जो है अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ से राइट करेंगे तो अब जो है आप देख सकते हैं कि मुनीर का जो है वो फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप उर्दू फॉन्ट वाली काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर भी जरूर बता देना। तो चलिए दोस्त बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।